झाबुआ पुलिस ने लूट और डकैती करने वाली गैंग के आरोपियों को गिरफ्तार कर गिरोह का पर्दाफाश किया है। जिले में यह आपराधिक गिरोह कई दिनों से सक्रिय था। विगत 11 नवंबर 2020 को थानला मंडी में सब्जी व्यापारी का अज्ञात बदमाश बैग उठाकर भाग गए थे। इस घटना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर थानला पुलिस ने छानबीन आरंभ की थी। पुलिस ने बताया कि इन दो घटनाओं के बाद अगले दिन काकनवानी परवलिया रोड पर चिकलिया फाटे के पास एक कपड़ा व्यापारी के साथ भी लूट की वारदात हुई थी। सुतरेटी रोड पर बंधन बैंक कलेक्शन कर्मचारी के साथ अज्ञात बदमाश मारपीट कर उनका बैग छीन कर ले गए थे। एक के बाद एक चोरी और लूट की घटनाएं होने से गंभीरता को देखते हुए पुलिस गश्त बढ़ाई गई थी और आरोपियों को पकड़ने का लगातार गंभीरता से प्रयास किया जा रहा था। 22 नवंबर की रात को थाना थानला पुलिस गश्त कर रही थी, तभी मुखबिर से सूचना मिली कि 5-6 लोग बाईपास रोड पर थानला नदी पुलिया के पास डकैती डालने की योजना बना रहे हैं। थानला पुलिस ने घेराबंदी कर 5 आरोपियों को पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। एक आरोपी कमलेश पिता नाना परमार निवासी मौत घटना स्थल से फरार हो गया। पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया है। झाबुआ से अल्बर्ट मंडोरिया की रिपोर्ट। सबसे बड़ा ये बंधन बैंक वाले से लूट जो है, इसका सबसे पहले आप खुलासा करते हैं, इससे कितनी राशि बरामद हुई? आपको इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ करना चाहता हूँ, घटनाक्रम के बारे में आप बताइए। ये दिवाली से जस्ट पहले, कुछ दिनांक पहले, कुछ घटनाएं लगातार हुई थी थानला क्षेत्र में जो कि काफ़ी गंभीर किस्म की थी। 11 तारीख को यहाँ पर जो मंडी है वहाँ पर एक व्यापारी थे, सब्जी के व्यापारी, उनका बैग पैसों से भरा हुआ उसको ले करके चुरा करके कोई भाग गए थे अज्ञात लोग। उसके जस्ट बाद अगले दिन काकनवानी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक कपड़ा व्यापारी के साथ भी एक लूट की वारदात हो गई। अगले दिन 13 तारीख को बैंक कर्मचारी जो कि कलेक्शन एजेंट है उनके द्वारा, उनके ऊपर साथ भी कुछ अज्ञात बदमाश जो कि मोटरसाइकिल से आए थे उनके द्वारा मारपीट करके लूट की सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया। ये सब दिवाली के पहले हुआ था इसलिए इसकी गंभीरता और बढ़ गई थी। इसको देखते हुए मेरे द्वारा सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिए गए थे कि आप लोग पुलिस गश्त पे और ज़्यादा ध्यान दें और घटनाओं को होने से रोकें और इन घटनाएं जो हुई हैं इनको जल्दी से जल्दी ट्रेस करें। इसी संबंध में तारतम में 22 तारीख की रात्रि को जब थानला पुलिस गश्त कर रही थी तो उनको एक मुखबिर से सूचना मिली कि 5-6 लोग बाईपास रोड थानला नदी पुलिया के पास में इकट्ठे होकर के डकैती डालने की योजना बना रहे हैं। बड़ी ही सूझबूझ से उनकी घेराबंदी की गई और 5 लोगों को गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता मिली। एक आरोपी वहां से अंधेरे का लाभ लेकर के फरार होने में सफल हो गए। उचित धाराओं में मुकदमा कायम किया गया। उसके बाद में उन आरोपियों से एक बिना नंबर की सफ़ेद रंग की मोटरसाइकिल यामाहा FZ और एक HF डीलक्स बिना नंबर की, एक देशी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस और अन्य सामग्री जब्त की गई। उसके बाद में आरोपियों का पुलिस रिमांड लिया गया। पुलिस रिमांड लेने के बाद में आरोपियों का आपराधिक रिकॉर्ड भी मंगाया गया और साथ ही साथ में सघनता से पूछताछ की गई। सख्ती से पूछताछ करने पर उनके द्वारा अनगिनत लूट और डकैती की वारदातें करना कबूल किया है, जिसमें कि 11 तारीख को हुई मंडी व्यापारी के साथ में चोरी, 13 तारीख को बैंक कर्मचारी के साथ हुई लूट की घटना, काकनवानी थाना क्षेत्र में कपड़ा व्यापारी के साथ में हुई लूट और साथ ही साथ में मेघनगर थाना क्षेत्र लंबापुर चौकी के अंतर्गत हुई नकबजनी करना भी कबूल किया है। जो गिरफ्तार आरोपी हैं उनके नाम हैं गोरू पिता तेरू गुंडिया, ये चोर मांडली का रहने वाला है, दीवान पिता तोलिया वसुनिया उमरा दरा का रहने वाला है, रंजीत उर्फ राजेश ये कटवारा का रहने वाला है, सीलू उर्फ चीलू ये पिटोल का रहने वाला है, घटिया पिटोल, बाबू पिता रालू डामोर ये चैनपुरा का रहने वाला है, एक आरोपी कमलेश पिता नाना परमार निवासी मौत जिसका कि पिटोल में घर भी है वो फरार हो गया था, और एक अन्य आरोपी अन सिंह पिता मंजी कामलिया निवासी खड़कोई जो इन घटनाओं में शामिल है वो भी फरार। कुल और विभिन्न सामग्री कैलकुलेटर, बंधन बैंक से टैबलेट,
मशीन और कागजात संबंधित सभी चीज़ें जब्त करने में सफलता मिली है। इन अपराधियों का आपराधिक रिकॉर्ड यदि देखा जाए तो इनके द्वारा काफ़ी सारी लूट, डकैती, NDPS जैसी घटनाएं पहले भी की जा चुकी हैं। आरोपी गोरू, ये बांसवाड़ा राजस्थान कुशलगढ़ ने भी एक डकैती डाल चुका है, वहां से लगातार फरार चल रहा है। साथ ही साथ में आरोपी चीलू के विरुद्ध दो स्थायी वारंट भी माननीय न्यायालय के द्वारा जारी किए गए थे और वो तब से फरार है। इन सभी अपराधों में कुल मिलाकर के 32,500 रुपये का इनाम उद्घोषित था, जो कि हमारी टीम, जिसने कि ये बहुत ही सराहनीय कार्य किया है, जिसमें SDOP मनोहर गौली साहब और थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक सुरेंद्र सिंह गडरिया, थाना प्रभारी थांडला, उप निरीक्षक नरेश निलामा, उप निरीक्षक शोभाराम चौहान, उप निरीक्षक सुनीता चौहान, ASI लक्ष्मण सिंह, मदन मोहन, राजेंद्र, प्रधान आरक्षक विभिन्न और सभी लोगों का काफ़ी सराहनीय योगदान रहा, सभी को उचित पुरस्कार दिया गया। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।